सब्सक्राइब करिए गुरु आयुर्वेदा चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन को हमारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार मित्रों, गुरु आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम वजन बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के आपको नुस्खे बता रहे हैं। अधिकतर बच्चे अपने दुबले पतले शरीर को लेकर बड़े चिंतित होते हैं। मोटापा भी ठीक नहीं होता, लेकिन ज़्यादा दुबला होना भी ठीक नहीं होता। इसलिए जो चाहते हैं शरीर में भराव आए, या दवा शरीर को मोटापा करके फुलाएगा नहीं, लेकिन शरीर में भराव पैदा कर देगा, शरीर में एनर्जी पैदा कर देगा, ऐसे कोई सामान्य घरेलू और सस्ती दवा हम आपको बताए जा रहे हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि उनके अंदर एनर्जी आए, सेहत अच्छा बने, वो चने को भिगा करके, काले चने को भिगा करके और अंकुरित करके प्रातःकाल चबा चबा के अच्छी तरीके से कम एक मुट्ठी चना प्रतिदिन खाएं। उसके एक घंटे के बाद ही कुछ दूसरा भोजन करें, दूसरी चीज़ खाएं। अच्छा तो ये रहेगा कि अगर उस चने में उसको पीस करके उसमें अगर शहद दो चम्मच मिला के खाया जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई केला प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 केला पीस करके दूध के साथ में पीता है, उससे भी शक्ति बढ़ती है, लेकिन उसमें इलायची डालना ना भूलें, क्योंकि कम से कम 2-3 इलायची जरूर डालिए। इलायची जो है केले को एकदम से डाइजेस्ट कर देता है। कई लोग केला खाते हैं तो उनको हैवी हो जाता है, जल्दी हजम नहीं हो पाता, तो इलायची का जो होता है चूर्ण, वो उसको जल्दी हजम कर देता है। अगर आप केले के साथ में इलायची नहीं डालना चाहते, उसके छिलके को भी आप डाल सकते हैं काट करके। उसके छिलके में वह तत्व होते हैं जो केले को डाइजेस्ट कर देता है और शरीर को एनर्जी भी देता है। अगर मान लो आप केला नहीं खा सकते, सर्दी से, जुकाम से, गले में दर्द हो जाता है, ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है अगर आपको, तो आप टमाटर का सूप घर में बनाइए। कम से कम 3-4 टमाटर, लेकिन देसी टमाटर रस वाली हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं मिल पा रहा है तो जो टमाटर मिलता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। 3-4 टमाटर को काट करके 1 गिलास पानी डाल करके उसको उबालिए। उबलते उबलते पानी जब लगभग आधा रह जाए, उसको छान करके बीज और छिलके को अलग निकाल दीजिए। 1 चुटकी सेंधा नमक और 1 चुटकी काली मिर्च डाल करके आप प्रतिदिन चाहें तो हल्का गुनगुना गर्म पी सकते हैं, चाहें तो ठंडा करके पी सकते हैं, चाहें तो चाय के समान पी सकते हैं। इस प्रकार से अगर सुबह शाम पीते हैं तो बिना आपको अन्य दवा का आश्रय लिए बिना आपके शरीर में एनर्जी भी बढ़ जाएगी और आपका सेहत भी बढ़िया हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप औषधि का आश्रय लेना चाहते हैं तो आप अश्वगंध का चूर्ण ले आइए। अश्वगंध की जड़ी होती है, ला करके उसको दूध में भिगाइए, शुद्ध कर लीजिए, उसके बाद सुखा करके उसको पीस करके 1-1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। लेकिन अगर विद्यार्थी हैं आप तो आप 1 चम्मच न लेकर के आधा चम्मच लीजिए। अगर गृहस्थी हैं आप तो 1-1 चम्मच सुबह शाम लेकर के हल्का गुनगुना दूध पी सकते हैं। और अगर शहद में मिला करके आप 4 के दूध पिए तो अति उत्तम है। और जो गृहस्थी हैं वो अगर 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच प्याज के रस में इसको मिला करके अगर सेवन करते हैं तो अति उत्तम रहेगा, सोने में सुहागा हो जाएगा एनर्जिकल की दृष्टि से। इस प्रकार से शक्तिवर्धक चीज़ें कई हैं, लेकिन इन सब में सबसे प्रथम ध्यान रखना है अपने पेट का। अगर आपका पेट सही नहीं है तो शक्तिवर्धक दवा आपको उतना काम नहीं करेगा। अथवा आप दवा इस प्रकार से तमाम लिए लेकिन आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो आप हमें अपने बारे में लिख करके अपनी समस्या जान सकते हैं कि आपको लाभ क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर इस प्रकार से तमाम दवाइयां हैं लेकिन अगर आप हमारे गुरु आयुर्वेदा से मंगाना चाहते हैं त्रिफला पेट के लिए, अथवा शक्तिवर्धक ऐसी औषधि जो विद्यार्थियों को बुद्धिवर्धक भी हो, शक्तिवर्धक भी हो, गृहस्थियों के लिए भी हो, स्त्रियों के तमाम रोगों को दूर करने वाला हो, पुरुषों के सभी प्रकार के गुप्त रोगों को दूर करके उनको एनर्जी देने वाला हो,
शुक्राणु को पैदा करने वाला हो, इस प्रकार से आप चाहते हैं तो इसी प्रकार से दवा हम बनाते हैं जो सब में समान रूप से काम करे। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपना कोई सुझाव अगर देना चाहते हैं या किसी बीमारी के बारे में आप दवा जानना चाहते हैं तो हमें नीचे आप लिख सकते हैं। जय हिंद।